आप देख रहे कुशाग टुडे लाइव न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। देवास जिले में भाजपा विधायक ने थाने में घुसकर पुलिस कर्मी को पीटा। पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। देवास जिले के उदयनगर थाने में घुसकर देर रात भाजपा विधायक चंपाल देवड़ा ने एक पुलिस कर्मी से मारपीट की, जिस पर उदयनगर थाना पुलिस ने विधायक चंपाल देवड़ा और अन्य साथियों पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक क्षेत्रीय भाजपा विधायक चंपाल देवड़ा के पुत्र का विवाद उदयनगर थाना में पदस्थ आरक्षक संतोष इबनाती 481 के साथ हो गया। सूचना मिलने पर रात के करीब 12 बजे विधायक थाने पर गए और सिपाही की पिटाई कर दी। पुलिस ने आज सुबह मामले में भाजपा के विधायक चंपालाल देवड़ा और उनके अन्य साथियों पर धारा 353, 632, 294, 506, 34 के तहत शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा कायम किया है। मारपीट थाने में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। आज विधायक देवड़ा के समर्थन में समर्थकों ने उदयनगर पूरी तरह बंद रखा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के समर्थन में एडिशनल एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। वह यहाँ पर विधायक जी का बता रहा था, उसी कारण सर जिले के उदयनगर थाने पे कोई अपराध दर्ज हुआ है, बताया जा रहा है कोई विधायक क्या मामला है? कल ये रात में लेट नाइट थाने पर उनको गलत जानकारी दी गई थी, जिस वजह से भी थाने पर एक विवाद की पुलिस कर्मचारी को बाधा होने पर से उस कर्मचारी के हाँ उसमें विधायक और उनके साथ आए थे। शुरुआती सूचना के आधार पर है और इसमें अब जांच के उपरांत बताया जा रहा है कि हमारे थाने पे कैमरे भी लगे, कुछ फुटेज सीसीटीवी में आए भी है। सारे फुटेज को सेव करने के लिए बताया गया है, सारे फुटेज है घटना के समय है, उनको सब सुरक्षित किया जा रहा है और फुटेज के आधार पे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें।